पश्चिमी राजस्थान में टिड्डियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में टिड्डियां फसलें चटकर जा रही हैं, जिससे किसान परेशान हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज टिड्डी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इलाके में हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं पर चर्चा भी कर रहे हैं। सुबह से ग्रामीण क्षेत्रों के जोधपुर जिले के पास चूंकि टिड्डी दल पहुंच चुका था और आप देख सकते हैं तस्वीरों में गजेंद्र सिंह शेखावत है जो खेत की जो बुजुर्ग महिला है उनसे वो जानकारी जुटा रही है कि किस तरह से टिड्डियों ने उसके खेत की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। शेखावत जी से सीधा बात करने का प्रयास करते मंत्री जी बताए किस तरह से आप लोग सुबह से दौरा कर रहे हैं और लोगों के जो टिड्डी की फसलों से नुकसान हुआ किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है। देखिए निश्चित ही एक भयंकर आपदा थी और जिस किसी भी खेत पर जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप हुआ है वहाँ किसान का जबरदस्त नुकसान हुआ है और फसल बिल्कुल लगभग जीरो हो गई है। ये जो दिखाई दे रही है अब इस फसल में इनको प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं होने वाला है। निश्चित ही राज्य सरकार को तुरंत इसके बारे में जो कार्रवाई उन्होंने की है जो गिरदावरी की रिपोर्ट सब बनाई है उनको कार्रवाई कम्प्लीट करके और केंद्र सरकार में भेजना चाहिए और राज्य सरकार के पास में SDRF फंड से इमीडिएट रिलीफ इश्यू करने का अधिकार है। मैं तो मानता हूं कि ये कार्रवाई हो तब तक भी राज्य सरकार को इमीडिएट रिलीफ किसानों को देना चाहिए।